सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं स्काई गुरुकुल यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन कॉलेज का, जिसका नाम है एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी अच्छा कॉलेज है ये। आज हम इस कॉलेज का प्रॉपर रिव्यू देखने वाले हैं, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगेगी बाद में बताइएगा, अभी तो वीडियो देख लीजिए पूरा पहले। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बकवास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, सीधे पॉइंट की बात करते हैं। चलिए बात करें, देखो कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट की, तो कॉलेज जो है वो 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था। बात करें एफिलिएटेड का, तो ये जो कॉलेज है AKTU लखनऊ के थ्रू एफिलिएटेड है। ठीक है, बात करें अप्रूवल की, तो इसको आपको PCI अप्रूव्ड है, AICTE के थ्रू अप्रूव्ड है, COA अप्रूवल मिला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज माना जाता है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, अगर आप ग्रेटर नोएडा में सर्च करें बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा, तो इस कॉलेज का नाम सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाता है ज्यादातर चांसेस में। ठीक है, बात करें यहाँ पे देखो एडमिशन का, तो एडमिशन यहाँ पे एंट्रेंस बेस होता है। ठीक है, एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, इसलिए कॉलेज काफी बेहतरीन भी माना जाता है मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट के कोर्सेज काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया कोर्सेज की बात आ गई, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले MBA मिल जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट की बात हो और MBA की नाम ना आए तो फिर क्या ही बात करें। आपको MBA देखने को मिल जाएगा, PGDM देखने को मिल जाएगा, BTEC, MCA, आपका MCA के बाद आपको BTEC लैटरल मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक मिल जाएगा, BR को मिल जाएगा, BBA मिल जाएगा, BCA मिल जाएगा, बी फार्मा, डी फार्मा और भी बहुत सारे डिप्लोमा के और भी UG प्रोग्राम्स बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वो पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मैंने अपने वेबसाइट skygurukul.com पे लिख दिया है, गूगल पे जाइएगा, जैसा कि आपको पता है skygurukul.com लिखेंगे और हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे थोड़ा कोर्सेज उनके अप्रॉक्स फीस की, एग्जैक्ट फीस नहीं, अप्रॉक्स फीस की, और वहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एडमिशन के लिए मोस्टली यहाँ पे एंट्रेंस ही होता है। ठीक है, तो बात करें देखो यहाँ पे MBA की, तो MBA की जो फर्स्ट ईयर का फीस है वो आपको 1.32 लाख, मतलब कि 1,30,000 करीब फीस मिलेगा। ग्रेजुएशन में आपका 50% से अबव होना चाहिए। PGDM की बात करें तो 3.6 लाख के करीब यहाँ पे फीस आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएशन में 50% अबव होना चाहिए। और BTEC की बात करें तो 1.23 लाख, ठीक है, 12th पास होना चाहिए, आप कम से कम 12th पास होगे तब तो बीटेक करोगे। ठीक है, एमसीए की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपका 1 लाख के करीब फीस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। बीटेक लेटर की बात करें तो 75,000 होगा, और आपका जैसा कि पता है बीटेक लेटर में एडमिशन लेने के लिए बीटेक फर्स्ट ईयर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में आपका यहाँ पे 50,000 का फीस है, और पॉलिटेक्निक करने के लिए आपका 12th में मिनिमम 35% होना चाहिए। आप सभी लोग जानते ही हो कि पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा, मतलब एक जिसमें कि कम परसेंटेज में भी आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन 35% होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए आप। ठीक है, 12th पास होना चाहिए। भैया आप बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो है प्लेसमेंट, किसकी वजह से कॉलेज फेमस माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट ना मैक्सिमम ऑफ द चांसेस जितना मैं रिसर्च कर पाया यहाँ पे 100% का प्लेसमेंट देखने को मिला मेरे को। मतलब यार अलग ही लेवल का प्लेसमेंट यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा देखने को मिला। अब क्यों मिला मैं आपको बता दूँ, 2022 का मैं डाटा लेकर आया हूँ, तो 2022 में बात करें तो आपका हाइएस्ट प्लेसमेंट जो यहाँ पे देखने को मिला, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 10.8 लाख का मेरे को प्लेसमेंट देखने को मिला, मतलब अप्रॉक्स 11 लाख का मेरे को हाइएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिला। एवरेज प्लेसमेंट मेरे को 3 to 5 लाख का देखने को मिला, बहुत सारे मैंने रिसर्च किया तो 3 to 5 लाख का एक एवरेज प्लेसमेंट देखने को मिला। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, जो टॉप कंपनीज यहाँ पे आपको रिक्वायर करने आती हैं, हायर करने आती हैं, तो उसमें आपको बाइजूस मिल जाएगी, इंटेलीपैड मिल जाएगी, ठीक है, उसके साथ जस्ट रियल मिल जाएगी, TCS मिल जाएगी, इंडस वैली मिल जाएगी, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। अब मैं आपको बता दूँ मेरा क्या रिव्यू रहेगा इस कॉलेज को लेकर के। देखो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन हमेशा जब भी कोई भी कॉलेज को चूज करो, सबसे पहले अपना तो डिसीजन ले ही लो, अपना पूरा रिसर्च कर ही लो, फिर ही कोई भी फाइनल डिसीजन लो। किसी भी चीज को देख करके कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई प्लेसमेंट देख करके मोटिवेट ना हो, क्योंकि प्लेसमेंट आपके स्किल्स पे डिफाइन करती है। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना, तो आपका कॉलेज या आपकी डिग्री आपके प्लेसमेंट को डिसाइड नहीं करती, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, ये सब आपका मेन मुद्दा होता है प्लेसमेंट में, ठीक है। और ओवरऑल यार कॉलेज भी बहुत बड़ा फैक्टर प्रेजेंट करता है कॉलेज आपके प्लेसमेंट में, और ओवरऑल ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। और ओवरऑल डिसीजन आपका होगा, क्योंकि चॉइस आपकी होगी, आपको पढ़ना है, हमें तो पढ़ना नहीं है, हम तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो और भी ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब पहुँचाए और भी ज़्यादा लोगों का मैं मदद कर पाऊँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन स्काई गुरुकुल का एक ही इंटेंशन है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद करना, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज स्टूडेंट्स की मदद करना, उनको एक सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखाने के लिए। अगर आप इस मुहिम में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए अपने दोस्तों के लिए मतलब अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।